हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर देखा था और मैंने वेक्टर और स्केलर के बारे में कुछ डिफरेंस बताया था। मैंने ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसके पास जो क्या जिसको क्या किया जाता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज टू डिफाइन द लॉ ऑफ फिजिक्स, आई मीन फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए जो भी क्वांटिटीज का यूज किया जाता है वैसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो उसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया था कि वैसे क्वांटिटी हैं जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, है ना, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे क्या है, मास हुआ, उसके बाद आपका मास हुआ, स्पीड हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसमें मैंने टाइम का भी एग्जाम्पल दिया था और क्या है, मास का भी, टाइम और करंट। लेकिन टाइम और करंट के पास डायरेक्शन होता है फिर भी हम इसको स्केलर बोलते हैं। मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था और बाद में हमने क्या देख रहे, हम क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, आई मीन कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, आई थिंक पहले बताया था, क्या बताया था, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर बताया था, उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर बताया था, उसके बाद इक्वल वेक्टर बताया था। अब उसके बाद एक टर्म होता है जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए। क्या हो जाए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन हो, वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैंने क्या लिखा है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिटी का मतलब क्या हुआ, उन्हें क्या होगा, वन होगा। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन हो जाए, वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी सिंबल दिया है वह, उसके ऊपर आप यदि कैप लिखो, इसको हम क्या पढ़ते हैं, देखो कैप, मैंने इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग कैप और रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ ओवर द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आई मीन मैंने यहां लिखा है ए कैप और ए रूफ, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ए पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, वेक्टर ए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, कि वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आई मीन इसका मतलब हुआ कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करना है, उस वेक्टर्स को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देखो, मुझे लिखना है इधर, इधर क्या है, बी, आई मीन वी हैव टू राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे, बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, मैग वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या हुआ, अगेन यूनिट वेक्टर, हमेशा आपको याद रखना है यूनिट क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और ये क्या हुआ, वेक्टर वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या हुआ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर्स को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने का। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से अब क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको, देखना नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, कि आपको लिखना है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट
वेक्टर इज क्या होगा, यूनिटलेस, यूनिट लेस, एंड क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर जो होता है ना उसका क्या होगा, क्या होगा यूनिट वेक्टर का क्या होगा, न क्या होगा डायरेक्शन हो, न क्या होगा डायमेंशन, क्या होगा यूनिट होगा और न क्या होगा डायमेंशन होगा। जैसे आप देखो यदि वी वेक्टर क्या हो, वेलोसिटी हो, तो वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो वेक्टर चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे तो ऐसा नहीं है, फोर्स क्या होगा एक्सेलेरेशन में चेंज हो जाएगा। तो कभी भी मैग्नीट्यूड के टर्म में जब हम लिखते हैं तो वेक्टर का नेचर चेंज नहीं होता है। तो यदि ये क्या है वेलोसिटी, आई मीन ये बी फोर्स है तो ये भी नीचे भी क्या होगा फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन अपॉन न्यूटन, न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा जो आप जानते हैं क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर इज क्या होगा वन। अब ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इसको आइए हम देखते हैं क्योंकि इसको समझना जरूरी है, हर पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी होता है। तो देखो क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे मुझे b कैप लिखना है तो b कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर b डिवाइडेड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर b डिवाइडेड बाय क्या होगा सिंपल मैग्नीट्यूड, ऐसे ही मैंने बताया। अब यही होगा ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो इसका स्केलर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वही होगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन क्या हो जाएगा b अपॉन क्या हो जाएगा b, तो ये क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ b कैप का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो क्या हो गया वन हो गया, प्रूफ हो गया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, आई मीन इस टोटल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर और ये क्या हो गया वन हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, तो ये क्या हुआ, इससे प्रूफ हो गया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा ऑलवेज क्या होगा वन होगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा ना उसका उसका कुछ डायमेंशन होगा और ना क्या होगा उसका यूनिट होगा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है वन होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता और कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे क्या है, नल वेक्टर और इसको क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर, क्या होगा नल वेक्टर, नल वेक्टर और इसको हम क्या बोलते हैं तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, नल का मतलब जीरो है ना, वेक्टर हैविंग क्या होगा द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज क्या होगा इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या होगा नल वेक्टर और क्या होगा जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे नल वेक्टर बोलेंगे। जैसे तो क्या होगा यहां मैं लिख दूं, नल क्या होगा नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा, ये आपको क्या करना है ध्यान देना है ना। तो क्या होगा नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। तो अब आप लेकिन इसमें क्या होता है, क्या है कि नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होगा वो जीरो होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है इनडिटर्मिनेट होता है, आई मीन डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, नल वेक्टर का डायरेक्शन कभी डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया है थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखो नल वेक्टर क्या होगा, देखो ध्यान से
मैं आपको बोलूं, आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ यदि क्या करें, एक ब्लॉक रख दें, ब्लॉक, और इस पे भी मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहे हैं और 10 न्यूटन फोर्स से क्या है, इधर खींच रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली आप बता दोगे कि एफ नेट जो होगा क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। देख रहे हो ना, यहाँ जीरो जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो वेक्टर मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जीरो वेक्टर किधर लग रहा है तो आप बता नहीं सकते हो। मैं बोलूं कि नहीं इधर भी लग रहा है, 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 जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर भी हो सकता है। आई मीन हम उसके डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो तो जीरो मैग्नीट्यूड का मैं बोलूं कि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो ही है, आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि नल वेक्टर का जो हम डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ लिख लेना है नोट में, क्या आपको लिखना है कि नोट में लिखना है एक कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। आई मीन नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। आपको मालूम भी चल गया कि नल वेक्टर किस सिचुएशन में मिल सकता है। आई मीन दो वेक्टर हो यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, नल वेक्टर मिलेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर। तो हम अगला जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, है ना। तो यहां लिखेंगे कोप्लेनर, तो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि सेम प्लेन में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो लिखेंगे कि दोज वेक्टर्स, क्या लिखेंगे, दोज वेक्टर्स विच लाइज इन द क्या होगा, इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। क्या होगा, को प्लेनर वेक्टर, वैसा वेक्टर जो सेम प्लेन में ही क्या है, लाई करें, तो वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। को प्लेनर के लिए कंडीशन भी होता है कि यदि सेम प्लेन में वेक्टर लाई करें तो उनके उसकी वजह से क्या होगा, कोई आपका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वॉल्यूम नहीं फॉर्म होगा, एरिया तो फॉर्म हो सकता है लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा। तो जितने भी यदि वेक्टर्स हैं उनको हम ज्वाइंट करके वॉल्यूम कंसीडर करें तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको आगे पढ़ोगे या मैथ्स में जनरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है तो वहाँ क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, मैथ्स में आपको जनरली पढ़ना है। तो इसलिए केवल आप याद रखना कि वो प्लेनर वेक्टर जो है वो वैसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें तो वैसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वो प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में अभी हम देख रहे थे। अभी मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो ध्यान से, सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ क्या है याद करना है। कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज नहीं ऐसे लिख सकते हैं when a vector is rotated through an angle theta
when a vector is rotated through an angle theta, then it will change if आपको सोच करके बताना है, if क्या होगा, theta is 0 degree, 90 degree, ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, थीटा इज 180 डिग्री, सी ऑप्शन दिया हुआ है, थीटा इज 270 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, आई मीन क्या होगा, 2 into 360 डिग्री, वेयर n क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या इंटीजर सिंपल याद रखो, इंटीजर, क्योंकि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको ये देखना है कि किसी भी वेक्टर, हमेशा याद रखना है कि वेक्टर विल चेंज, वेक्टर कब चेंज होगा, आइदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो और क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो। तो आपको सोच करके और इसको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, क्या होगा, आंसर लिखना है, इसको आप होमवर्क लिख लीजिए और आप इसको सोचेंगे। तो आपको नोट में मैं लिख देता हूँ, केवल क्या होगा, नोट में मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसको इससे सोचना, आई मीन हिंट्स मैं देता हूँ आपको, क्या होगा, यहाँ लिखना है नोट में, यही याद रखना है क्या, कि इफ वेक्टर विल चेंज, मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर विल चेंज इफ क्या होगा, इफ ये में क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल चेंज बी में क्या है, इट्स डायरेक्शन विल चेंज, और सी में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन बोथ विल क्या होगा, विल चेंज। आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, यूज करके आपको सोचना है, तो इसका आंसर जो होगा आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा आपको। सोचो, देखो क्या है, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा क्या है, चीज़ें आपके सामने हैं, आप जितना थिंक करोगे उतना ही क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप रटने की कोशिश मत करो, रटना इम्पॉर्टेंट है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि याद रखना चाहिए चीज़ों को, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि ये समझना, जैसे मैं आप सब आप रटे हुए हैं कि -1 × -1 क्या होता है, +1 होता है, आप सभी लोग रटे हुए हैं, लेकिन इसका भी प्रूफ है कि -1 × -1 + 1 कैसे होता है, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, कोशिश करो जितना हो सके चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, समझने के लिए, तभी आपका स्कोर जो होगा एग्जाम में क्या होगा, अच्छा होगा। रटो नहीं, रटने से क्या होगा कि कुछ टाइम तक चीज़ें याद रहेगी, उसके बाद हम क्या, चीज़ें क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। तो बेटर क्या है कि चीज़ों को समझना, समझ करके जब हम याद रखेंगे तो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करता है। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि यदि समझ में नहीं आया, ऐसा है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे भी तो होना चाहिए। जब अपने आप से तुम क्वेश्चंस अराइज करने लगोगे तो समझो कि तुम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। आंसर लाने की कोशिश मत करो, अब इसको एक वेक्टर मानो, अपने से इसको रोटेट कराओ, देखो, और इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखो कि वेक्टर तभी चेंज होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, दोनों चेंज होगा। तो जब आप सोचोगे तो इसका आंसर खुद से मिल जाएगा। आंसर लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, जो हम बता रहे हैं वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1000 क्या है, 100 हो सकते हैं, 200, 300, 3000 ऐसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं यदि सोचा जाए तो। तो हम उतने नहीं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो किसी भी टाइप का यदि न्यूमेरिकल्स मेरे सामने है तो मैं एटलीस्ट उस पर सोच सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ कि नहीं, इसमें पूछा क्या गया है और मुझे करना क्या है। ये तभी हम कर सकते हैं जब मेरा क्या है,
कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या हम पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आई मीन टू वेक्टर्स, ईबी तो हम यहां पढ़ेंगे क्या, एंगल एंगल बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, क्या करना है, माइंड में रखना है, क्योंकि इसका भी यही ज्यादा हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ कंफ्यूज। अब देखो कोई कोई वेक्टर है, देखो क्या है, एक वेक्टर ए है, देखो ध्यान से, एक वेक्टर हमने ए मान लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड बोलते हैं, हेड, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। और एक वेक्टर तो दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसे है, ये वेक्टर क्या है, मान लो क्या है, बी वेक्टर है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन क्या बोलेंगे, टेल, इसको हम, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो आप 7th-8th में पढ़े हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो देखो दो वेक्टर को हम, आपको ही मालूम है कि हम क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच क्या हो सकता है, एंगल, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब उनको क्या हो, कहीं ना कहीं हो क्या हो, एक दूसरे से मिले, तो जब एक दूसरे से मिलेंगे, आई मान लो कि यही क्या है, दो वैक्टर्स है, इसको हम इसी के पैरल शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं आ करके यहाँ, तो इनके बीच जो इंक्लाइनेशन होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, टू वैक्टर्स होगा। तो जो दो वैक्टर्स हैं वो क्या है, अब इसमें क्या है, तीन प्रोसेस होते हैं, देखो क्या है कि वेन क्या होगा, अब देखो वेक्टर जो होगा वो तीन तरह से क्या होगा, कनेक्ट हो सकता है, क्या होगा, एक तो क्या होगा कि दो वेक्टर का हेड, आई मीन क्या हुआ, हेड हुआ, और आई मीन ऐसे देखो ध्यान से क्या हुआ, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है, ऐसे सोचो दूसरा वेक्टर ए, ये समझना है, ये वेक्टर क्या हुआ, ए, और दूसरा वेक्टर क्या हुआ, बी। तो देखो ये क्या है, ए वेक्टर का क्या हुआ, हेड, और इसका क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, हेड, आई मीन दोनों क्या है, ज्वाइंट किया हुआ है, इसको आप थोड़े एक्सटेंड भी कर सकते हो, थोड़े एक्सटेंड भी कर सकते हो, क्या है, थोड़ा आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो यहाँ क्या है, दोनों वेक्टर का क्या है, हेड क्या है, कनेक्टेड है। तो आपसे कोई पूछे कि ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये थीटा जो होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए एंड क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, बी होगा। तो यदि ये थीटा होगा तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो जब भी क्या होगा, क्या होगा, हेड, दोनों वेक्टर का हेड कनेक्टेड हो, तो हेड को क्या करो, एक्सटेंड करो, और दोनों हेड के बीच जो एंगल मिलेगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, टू वेक्टर्स होगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि दो वेक्टर का टेल एक साथ ज्वाइन हो, जिसे ये वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी दिया हुआ है। तो हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है कि यहाँ भी देखो क्या है, ये वाला जो एंगल होगा, आई मीन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये वेक्टर का क्या है, वेक्टर का टेल, टेल, और इस वेक्टर का भी ये क्या है, टेल। तो यहाँ हेड टू हेड कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, और यहाँ क्या है, टेल टू टेल कनेक्टेड है। तो दिस विल बी नथिंग बट द क्या होगा, एंगल बिटवीन, क्या होगा, एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर ए एंड, एंड क्या होगा, वेक्टर बी। यहाँ भी थीटा क्या हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच क्या हुआ, एंगल, क्या हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच क्या हुआ, एंगल हो गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ हेड टू हेड कनेक्टेड है, यहाँ क्या है, टेल से टेल कनेक्टेड है। तीसरा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ आप आसानी से समझ जाते हो, यहाँ क्या है, आप आसानी से समझ जाते हो, लेकिन जब हम क्या करते हैं, हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं, वहां कंफ्यूजन होता है। तो ये आपको समझ में आया, एक है फिगर, आप वन लिख लो, फिगर वन कंसीडर कर लो,
इसको हम फिगर क्या है, सॉरी फिगर ए, और इसको फिगर बी, और यहाँ मानते क्या है, देखो ये क्या है, वेक्टर ए है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर क्या है। अब यहाँ क्या है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका क्या हुआ, देखो हेड, आई मीन इसमें क्या है, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से क्या है, कनेक्टेड है, और ये बी वेक्टर का क्या हुआ, टेल। इसको क्या करो, थोड़ा एक्सटेंड करो, ये वाला एंगल नहीं होगा, कौन सा होगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल, यहाँ कंफ्यूजन होता है हमेशा याद रखना, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, ए वेक्टर बी हो गया, तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन, क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर, ये क्या हुआ, थीटा क्या हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच क्या हुआ, एंगल। यदि ये एंगल दिया हुआ होता, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल नहीं होता, ये यदि एंगल मान लो कि क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में अल्फा इज नट द क्या होगा, नट द एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या होगा, वेक्टर। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आया क्या होगा, कि जब क्या होगा, यहाँ हेड टू हेड कनेक्टेड हो, टेल से टेल कनेक्टेड हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो एंगल दिया होगा वो आप एक्यूट एंगल कंसीडर कर लो। लेकिन जब क्या होगा, हेड से टेल कनेक्टेड हो, आई मीन एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल कनेक्टेड हो, तो वहाँ क्या है, हेड को क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा क्या करेंगे हम, एक्सटेंड करेंगे, और जो हेड और आई मीन हेड बढ़ाने के बाद जो दोनों वेक्टर के बीच एंगल होगा, वही क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, टू वेक्टर्स होगा। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, देख सकते हो, देखो यहाँ ये आपको समझ में आई थिंक आया होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ नोट में लिख लेना है, नोट में क्या लिखना है, कि एंगल बिटवीन क्या होगा, सेकेंड पॉइंट देखो, एंगल एंगल बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज लाइज बिटवीन क्या होगा, जीरो डिग्री टू क्या होगा, 180 डिग्री, है ना, क्या होगा, जीरो डिग्री टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इससे कभी ज्यादा वेक्टर क्या होगा, बड़ा वेक्टर नहीं हो सकता। तो यहां लिख सकते हैं क्या होगा, कि इफ क्या होगा, इफ थीटा इज द क्या होगा, इज द एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा, टू वेक्टर्स, देन क्या होगा, पहला पॉइंट ए में क्या लिखेंगे, देन क्या होगा, देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 180 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बी में लिखेंगे थीटा मस्ट बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, थीटा मस्ट बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्मॉलर एंगल, है ना, क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए, क्या होगा, थीटा, देन थीटा मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्मॉलर। अब स्मॉलर और लार्जर का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो यहाँ ये आपको समझ में आएगा कि हमने इसका मतलब स्मॉलर और लार्जर क्या बताया। इसे देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल मैं बोलूं कि 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, आप बताओ ये कितना, 300 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि थीटा कितना डिग्री होगा, आई मीन थीटा ए वेक्टर ए हुआ और वेक्टर बी हुआ, तो दोनों वेक्टर के बीच दो एंगल है, एक 300 है और एक क्या है, 60 है, तो इसमें जो स्मॉलर होगा उसको हम थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, स्मॉलर, ठीक है, क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, एंगल आई मीन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, थीटा नट इक्वल टू क्या होगा, 300 डिग्री होगा, ये आपको यही इसका मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का। तो दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो से क्या होगा, 180 के बीच में लाई करेगा, यदि क्या होगा, वन मोर देन वन एंगल हो, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा मस्ट बी स्मॉलर इफ
मोर देन टू एंगल्स आर कमिंग, क्या होगा इफ, या लिख लो इफ मोर देन, क्या होगा मोर देन टू टू एंगल्स आर देयर, यहां देखो दो एंगल आ रहा है तो ऑलवेज मुझे क्या करना है, ए स्मॉलर वाला एंगल क्या है कंसीडर करना है। इसके बाद देखो और एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपसे यहां दिया हुआ हो, देखो ध्यान से एग्जांपल, तो क्या है यहां दिया हुआ हो एक वेक्टर क्या है ए है, वेक्टर क्या ए है, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो आपसे क्या होगा फाइंड, क्या होगा फाइंड एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन क्या होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच यदि आपने 120 डिग्री आंसर लिखा तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है एक वेक्टर का हेड और दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा ए होगा, तो यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मीन एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज क्या होगा इज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अभी मैंने आपको ये बताया था, तो यहां ये चीज आपको क्या करना है माइंड में रखना है कि थीटा क्या होगा, जब भी क्या होगा कंफ्यूजन कहां होता है जब क्या होगा हीट से क्या हो टेल कनेक्टेड हो और टेल से क्या हो हेड से हेड टू टेल कनेक्टेड हो वहां कंफ्यूजन होता है, तो जब भी हेड टू टेल कनेक्टेड हो तो हेड को क्या करो थोड़ा देखो हमने क्या किया है थोड़ा एक्सटेंड किया है और फिर दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। उसी तरह के एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ ध्यान से, आपसे कोई पूछा जाए ऐसे वैक्टर ड्रॉ किया गया देखो ध्यान से ऐसे एक वैक्टर ये हुआ ए बी और ए सी, ये वैक्टर ए है ये वैक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है सी, और यहाँ दिया हुआ है ऐसे इफ क्या दिया हुआ है इफ इफ क्या है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए दिया आई मीन क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मैंने ही बताया था, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको ही मालूम है कि ये क्या है ए बी सी ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही तीनों साइड का लेंथ क्या होता है सेम होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का लेंथ, तो हम बोल सकते हैं कि ये ए और ये क्या है इक्वल है, तो आपको क्या इफ क्या है इफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू एक्स देन क्या है देन फाइंड 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 ए में क्या है एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या होगा एंड बी, ठीक है बी में क्या है ए एंड देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर बी एंड क्या होगा एंड सी, ठीक है एंड वेक्टर सी एंड सी एंड वेक्टर ए। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है समझ में आया ना, तो अब आपको क्या करना है ये वाला देखना है कि क्या क्या कनेक्टेड है, देखो क्या है ये वेक्टर का क्या है चलो हम ए बी के बीच एंगल देखें, तो ये क्या दिया हुआ है वेक्टर ए है वेक्टर ए का ये क्या हुआ ये हेड हुआ और इसका क्या हुआ टेल हुआ, तो हेड टू टेल कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ए वाला एंगल लेंगे, तो यहाँ क्या होगा ए वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा देखो ए 60 होगा अब कोर 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं एंगल बिटवीन आई मीन क्या होगा एंगल बिटवीन क्या होगा बिटवीन ए एंड क्या होगा एंड बी विल बी क्या होगा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं सिमिलरली
एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल देखो यहाँ भी ये क्या है, इधर देखो ये हेड है तो हेड को थोड़ा एक्सटेंड करो अगेन, तो ये वाला एंगल क्या होगा बी एंड सी के बीच में, तो ये भी क्या होगा 120 होगा। अगेन आप क्या करो ये थोड़ा सा बढ़ाओ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। तो सिमिलरली एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन बी एंड क्या होगा एंड सी कितना हो जाएगा एज क्या होगा 120 डिग्री, 20 डिग्री एंड क्या होगा एंगल, एंगल बिटवीन सी एंड ए आई मीन ए एज क्या होगा 120 डिग्री। तो ऐसे हम क्या करते हैं दो वेक्टर के बीच हम क्या करते हैं एंगल फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैसे सोचेंगे यदि मोर देन वन एंगल दिया हुआ है तो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे हम क्या पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, आई मीन वेक्टर्स को क्या है हम कई तरह से क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं वेक्टर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्या किया गया ऐड किया गया, आई मीन ऐड आप लोग पढ़े हैं कि क्या होगा सम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो पहले हम क्या देखेंगे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। तो देखो यहां पहले हम क्या देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हेडिंग आप लिखेंगे क्या है कि सम ऑफ देखो यहां कई सम और एडिशन और इसको कई नाम से हम जानते हैं एडिशन और क्या लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हम टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ें, तो दो वेक्टर को सम का मतलब क्या हुआ ऐड करना, ठीक है। तो दो वेक्टर को हम दो मेथड से क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्या करते हैं दो मेथड से हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। पहला जो मेथड है वो क्या है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल और इसको हम ये भी बोलते हैं हेड टू टेल एडिशन, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। आई मीन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं देयर आर टू लॉज, ऐसे लिखेंगे कि देयर आर टू लॉज, देयर आर टू लॉज बाय विच वी कैन एड टू वेक्टर्स। दो लॉज हैं, अब क्या है इसी को यूज करके हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो पहला क्या है कि इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, क्या हम बोलेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल। और इसका नाम और भी एक है कि हेड टू टेल एडिशन, क्या है हेड टू टेल लॉ भी हम इसको जस्ट इसको हेड टू टेल का मतलब क्या होगा एक वेक्टर का हेड दूसरे के क्या होगा टेल से क्या होगा कनेक्टेड होगा। बी क्या है लॉ ऑफ क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम और इसको क्या बोलते हैं टेल टू टेल एडिशन, क्या बोलेंगे addition। तो यही दो मेथड यूज करके हम क्या करते हैं दो वेक्टर को ग्राफिकली क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्या करते हैं ग्राफिकली हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, है ना। दो मेथड को क्या करके यूज करके क्या करना है दो मेथड को हम जब यूज करेंगे तो क्या होगा दो मेथड से हम वेक्टर को क्या करेंगे यूज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा एक वेक्टर मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल देखो क्या होगा सोचना है इसमें कुछ नहीं है। देखो जैसे क्या दिया हुआ है तो हम पहला लॉ पढ़ेंगे क्या कि लॉ ऑफ क्या होगा लॉ ऑफ
इसमें देखो क्या है, इस लॉ को यूज करके क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है। सिंपल आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ये लॉ ऑफ हम क्या पढ़ते रहे हैं, वेक्टर एडिशन। तो तीन तरह के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ पॉलीगन। तो अभी दो वेक्टर के लिए हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मोर देन टू वेक्टर्स होगा तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम पॉलीगन यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, देखो क्या है कि एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करके क्या करना है, इसको इस तरह कनेक्ट करना है, ग्राफिकली क्या करना है आपको, कनेक्ट करके क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, एक किसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं और दूसरे वेक्टर को उसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक कि जो वेक्टर फिक्स है उसके हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कॉइंसाइड नहीं हो जाए। जैसे हमने यहां क्या किया, ए वेक्टर को क्या किया हमने, कंसीडर ए वेक्टर, हमने ए मान लिया, यही ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर को एज इट इज हमने क्या किया, फिक्स किया, और बी को इसी के पैरेलल, तो ए का हेड है, बी को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे कि ए का हेड और बी का टेल क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए इसी के पैरेलल, कुछ नहीं करना है इसी के। अब अगेन क्या करेंगे हम, अगेन एक्सटेंड कर देंगे तो यही क्या होगा, थीटा होगा, जो क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपसे पूछा जाएगा, देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द टेल ऑफ क्या हुआ, टेल, टेल ऑफ वेक्टर ए, और दिस इज नथिंग बट द, हम बोल सकते हैं क्या होगा, हेड ऑफ क्या होगा, वेक्टर बी, यही होगा ना। तो जब आप इसको क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे, क्या करोगे, इसको ज्वाइंट करोगे फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को, जब ज्वाइंट करोगे सेकंड वेक्टर के हेड को जब ज्वाइंट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइंट करना, तो जब ज्वाइंट करोगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, जनरली क्या है, आर, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, आर वेक्टर, आर आई मीन रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर और लास्ट वेक्टर। यदि मोर देन वन वेक्टर होगा तो हमेशा रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, कि रिजल्टेंट इज नथिंग बट द वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब रिजल्टेंट को हम क्या लिखते हैं, देखो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, बी होगा, यही क्या होगा। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए। इसमें देखो फर्स्ट वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का क्या है, टेल एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेड टू टेल एडिशन भी बोलते हैं, हेड टू टेल लॉ भी बोलेंगे। आई मीन इसी दो लॉ को यूज करके आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सम और एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। आई मीन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उसके लिए दो लॉज हैं, क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल और क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इन्हीं दो लॉ को यूज करके आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि रिजल्टेंट का मतलब कि रिजल्टेंट विल बी क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं, रिजल्टेंट विल बी, तो यहां क्या होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर आई मीन आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, वेक्टर हमेशा वेक्टर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड वेक्टर ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द क्या होगा, हेड ऑफ द क्या होगा, सेकेंड वेक्टर इज
कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और सम ऑफ, क्या होगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ क्या है, टू वेक्टर्स। अब क्या करना है कि आपको तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा, हम यहां लिख देते हैं, देखो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, देखिए ध्यान में रखना, यही क्या हुआ रिजल्टेंट। अब आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछे कि नहीं अब तो हमने केवल रिजल्टेंट निकाल दिया, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का लेंथ, हम यदि इस वेक्टर को ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, तुमसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, ए बी होगा, यही होगा ना, अरे यही होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए बी, आई मीन ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब भी मैंने बताया था कि सिंगल वेक्टर हो और उसके उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो एरो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सिमिलरली यदि मुझे लिखना हो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाला लेंथ ए सी, यही होगा ना, ए सी। ए सी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ए सी अपने, ए सी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं, जब भी क्या है आपको, जब भी वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो तो खुद अपने से कोशिश करो इसको क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, क्या है, इस तरह से जब आप ऐड करोगे तो आप खुद से प्रैक्टिस जितना करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे वेक्टर को कैसे ऐड करना है। क्या करना है, एक वेक्टर को फिक्स रखना है, जिसको हम फिक्स रख रहे हैं, दूसरे वेक्टर को क्या किए, इसी के पैरेलल मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तब तक शिफ्ट करना है जब तक कि फिक्स वाले वेक्टर के हेड से जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उसका टेल कॉन्साइड नहीं हो जाए। जैसे ही कॉन्साइड हो जाएगा तो क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द क्या होगा, लास्ट वेक्टर। तो अपने को क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट तो ये मालूम चल गया, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई मीन दो वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मिले, रिजल्टेंट मिलेगा तो कोई पूछेगा कि रिजल्टेंट कितने मैग्नीट, जैसे मैं बोलूं कि आपको 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मान लो कि 90 डिग्री पे लग रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि नहीं नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप क्या बताओगे, नेट फोर्स ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, तो देखो यहां से, यहां आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को यूज करके हम, अब देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, थोड़ा ट्रिगो हम यूज करेंगे। यदि मैं यहां से इसको एक्सटेंड किया और यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हुआ, एम हो गया। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल क्या होगा, ए एम क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस क्या होगा, एम सी स्क्वायर, यही होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा,
सीएम या एमसी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी कितना है। अब यहां ध्यान से देखोगे क्या होगा, अब इसको मैंने इक्वेशन चलो वन लिख दिया है ना। नाउ क्या है, नाउ इन ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल बी एम सी देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, BM अपॉन क्या हो जाएगा BC, और BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BM अपॉन BC इक्वल टू क्या होगा, देखो तो BC इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BM अपॉन B। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BM इक्वल टू क्या होगा B cos थीटा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि CM इक्वल टू क्या होगा, CM इक्वल टू क्या होगा B sin थीटा। नाउ क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन देखो तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BM देखो क्या दिया हुआ है, BM इक्वल टू तो देखो A प्लस B cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा द क्या होगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस क्या होगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब इसको हम एक स्टेप और आगे लिखेंगे तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस देखो B स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2AB क्या हुआ cos थीटा, यही क्या हुआ AC का होल स्क्वायर मान जाओ। तो AC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर प्लस 2AB क्या होगा cos थीटा। तो यही क्या हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अपने को क्या होगा मालूम चल गया, क्या हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये अपने को मालूम चल गया। तो यहां आपको ध्यान देना है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको क्या करना है याद रखना है। यहां देखना तो क्या लिखेंगे, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस क्या होगा बी इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होगा cos थीटा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ, इसको हम क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, फिर से देखो लिख देता हूँ यार मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और सम ऑफ वेक्टर ए एंड क्या होगा वेक्टर बी। तो आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या है वेक्टर बी क्या है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तुमको इसको याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कैलकुलेट, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखो ये क्या है ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड या छोड़ो इसको स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहां मैं लिख देता हूं सिंपल ये आपको यही से समझ गया आ जाए क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन, क्या होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड क्या होगा वेक्टर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन, क्या होगा डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन आपको ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा बताओ। देखो यहां से देख करके तुम बता सकते हो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंड ऑन क्या लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यहां लिख सकते हैं क्या होगा, डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स ए एंड क्या होगा ए एंड बी, दूसरा क्या है बी में क्या है एंगल, एंगल बिटवीन क्या होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर। दो चीज पे क्या है, आई मीन दैट इज क्या है, दैट इज यहां लिख सकते हैं थीटा, दो चीज पे क्या है डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर के क्या है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और उनके बीच क्या है एंगल होगा क्या होगा उस पे डिपेंड करेगा। उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे क्या होंगे केसेस होंगे। हाँ एक चीज ये पूछा जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा रिजल्टेंट, मैं बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से यही क्या है ये वेक्टर क्या है ए है और दिस इज नथिंग बट द क्या है वेक्टर बी दिया हुआ है और यही क्या है दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एम माना था तो ये कितना था देखो बी कॉस थीटा और ये कितना है बी साइन थीटा और यही क्या है रिजल्टेंट है, यही वेक्टर क्या है आर और वेक्टर ए प्लस क्या है और यही क्या है अल्फा। देखो क्या है जब भी हम वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से डिनोट दिखाते हैं। तो यहाँ क्या है अल्फा क्या होगा ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज द क्या होगा इज द क्या होगा यहाँ लिख देना यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा देखो वेक्टर ए के साथ एक कितने एंगल पे इंक्लाइन है अल्फा से, तो हमने मान लिया कि देखो यहां से लिख सकते हो टेन अल्फा कितना होगा टेन अल्फा इक्वल टू इस ट्रायंगल में देखो इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हैं बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा ए प्लस क्या होगा बी कॉस थीटा। तो यहां ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज ठीक है अल्फा क्या है अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, आई मीन ए के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है डायरेक्शन लिखा है। तो यहां लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन क्या लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां ए क्या है एंगल, एंगल मेड क्या होगा एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ क्या होगा विथ वेक्टर ए, और ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसमें और भी कुछ केसेस होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है। ओके थैंक यू।